देखिए दोस्तों, ये मूली है। जरा इसके पराठा बनाने के लिए देखिए इसको कैसे काटना है। जो जहाँ जहाँ दाग है उसको हटाना है, जहाँ जहाँ दाग नहीं है उसको नहीं हटाना है, क्योंकि ये हरा चीज़ है, इसमें विटामिन मिलता है, इसलिए पूरा मत छीलिए इसको। जहाँ जहाँ दाग है वहीं पर छीलिए इसको। छोटा छोटा भाग में इसको काट दीजिए। देखिए इसको काट लिए हैं, इसको धो के मिक्सर में डाल रहे हैं। इसमें घिसने की कोई जरूरत नहीं है, 4 घंटा से जा रहे मिक्सर में इसको हल्का पीस देते हैं। पानी नहीं डालना है, ये अपने आप पानी छोड़ेगा, इसके शरीर में बहुत पानी होता है। देखिए इसको पीस लिए हैं, गमला में डाल रहे हैं इसको। इसलिए हम निकाल दिए। देखिए कोई घिसने उसने का जरूरत नहीं है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, देखिए कितना अच्छा पिसा गया है। देखिए आटा ले लिए हैं, हम आटा कम लिए हैं क्योंकि मेरे पास मूली कम था। स्वाद अनुसार नमक, देखिए ये जवाइन है, इस पर रगड़ दीजिए इसको और डाल दीजिए। हल्का मिर्चा पाउडर ले रहे हैं, देखिए 3 मिर्चा है, इसको गरम कर लिए हैं। देखिए इस तरह बना के यहाँ डाल देना है। अब इसको इस तरह मिक्स करना है। देखिए सब मिक्स हो गया, मूली आटा जवान नमक मिर्चा सब मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी लेना है, हल्का हल्का पानी लेते जाना है और इसको मसलना है। ये मिक्स हो गया है, इतना बड़ा बड़ा गोला करना है। ये तो मूली का पराठा बनेगा ना, थोड़ा सा तो गोला बड़ा ही रहेगा इसका। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढक के।
इस तरह हल्का आटा लेना है। बहुत कस के इसको नहीं दबाना है। देखिए मिला गया, कहीं आटा भी नहीं है, चिपका भी नहीं है। देखिए कितना आसानी से हो गया। इसे क्या करना है, गर्म हो गया है तवा, देखिए डाल दिए। ये रिफाइन ऑयल है, ये पराठा है भाई, हल्का तो तेल लगेगा ही ना। एकदम अच्छा से पकाना है इसको, खाने में एकदम मज़ा आओ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अभी का समय में सस्ता भी है, 10 रुपया किलो बाजार से लाइए और एक एक किलो भर भर के बनाइए, पूरा फैमिली खाइए। पक के तैयार हो गया, देखिए गरम है। आपको दिखाते हैं अंदर तक, देखिए कहीं भी आपको कच्चा नज़र नहीं आएगा, देखिए कहीं भी आपको कच्चा नज़र नहीं आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।